हेलो फ्रेंड्स, आई एम एचबीके। यू वाचिंग इंटरनेशनल लीग्स। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट लास्ट डिकेड से बहुत तेजी से ग्रो हुई है एंड इंडिया एक फॉर्मिडेबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनकर पूरी दुनिया के सामने आया है और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ने चाइना की ग्रोथ रेट को सरपास कर दिया है और ये इंडियन इकोनॉमी के लिए अभूतपूर्व क्षण है। और ये बोला है यूरोपियन पार्लियामेंट के थिंक टैंक एंजेलियोस डेलिवोरियाज ने। और आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और जानेंगे यूरोपियन पार्लियामेंट के थिंक टैंक एक्सपर्ट ने इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पर क्या प्रिडिक्शन की है एंड इंडिया ने कैसे चाइना को जीडीपी ग्रोथ रेट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में सरपास कर दिया है एंड इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट पर और क्या भविष्यवाणी करी है। इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जान लेते हैं एंजिलोस है क्या। देखिए यूरोपियन पार्लियामेंट का थिंक टैंक एंजिलोस यूरोपियन पार्लियामेंट्री रिसर्च का एक पार्ट है जो यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए एक्सटर्नल पॉलिसीज मतलब दूसरे देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ पर पॉलिसीज पर रिसर्च करती है। ये एक थिंक टैंक है जो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रिडिक्ट करता है, उस पर रिसर्च करता है एंड यूरोपियन पार्लियामेंट को रिपोर्ट सौंपता है। और इन्होंने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ चाइना की एनुअल जीडीपी ग्रोथ को सरपास कर चुका है ऐसा बोला है। देखिए इंडिया की एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट 2023 में 7.5% थी और वहीं इंडिया के कंपैरिजन में चाइना की एवरेज जीडीपी ग्रोथ 5.2% थी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू नो इज इंडिया की जीडीपी 2026 तक 7% से ग्रो करने की उम्मीद की जा रही है तो वहीं चाइना की जीडीपी ग्रोथ 2026 तक बस 4.6% तक रहने की उम्मीद है। अपार्ट फ्रॉम दिस IMF ने चाइना की जीडीपी ग्रोथ 2024 में 4.6% प्रोजेक्ट की है और इसके पीछे एंजिलोस ने इंडिया की कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक स्ट्रेटजी को बताया है। जैसे इंडिया ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रीसेंट इंडिया का स्पेस एक्सप्लोरेशन, इंडिया का मून पर जाना, मून को एक्सप्लोर करना, इसका भी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक मेजर रोल रहा है। देखिए इंडिया ने कंटिन्यू बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है एंड इंडिया ने स्पेस में भी सक्सेसफुली बहुत सारे प्रोग्राम्स में मून पर झंडा गाड़ा है और अपना खुद का शिव शक्ति पॉइंट मून पर बना लिया है एंड इंडो पैसिफिक रीजन में भी इंडिया बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी के साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन को टैकल कर रहा है। और इंडिया की डिप्लोमेटिक इम्पोर्टेंस पिछले डिकेड से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इंडिया ने वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा प्लेयर बनकर इंडिया सामने आया है। इसके अलावा एंजिलोस ने चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को एक बैकड्रॉप बताया है, इसके अगेंस्ट बोला है और इस वजह से इंडिया एक यूरोपियन यूनियन एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच अपनी एक अलग पोजीशन बनाई है। इसके अलावा एंजिलोस ने चाइना के BRI अनाउंसमेंट से एंड चाइना की साउथ चाइना सी में बढ़ती एग्रेशन सबसे ज्यादा तब शुरू हुई जब यूक्रेन रशिया का वॉर शुरू हुआ, तब से इन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन की इम्पोर्टेंस को, साउथ एशियन रीजन की ग्रोथ की इम्पोर्टेंस को नोटिस किया है, चाहे वो वेस्ट के लिए हो या यूरोपियन यूनियन के लिए। देखिए चाइना को काउंटर करने के लिए पूरा यूरोपियन यूनियन एंड अमेरिका इंडिया को अपने अपने ग्रुप में शामिल करना चाहता है तो ये लोग इंडिया के बारे में अच्छा अच्छा तो बोलेंगे ही, पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वेस्ट का चाइनीज फंडेड मीडिया इंडिया के बारे में, इकॉनमी के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में इंडिया की नेगेटिव इमेज बनाता है और दिखाता है। एनजीओस ने इंडिया की इकॉनमी ग्रोथ के पीछे इंडिया की यंगर पॉपुलेशन एंड चाइना की ओल्ड होती पॉपुलेशन को भी एक रीजन बताया है, क्योंकि इकॉनमिक पर्सपेक्टिव से इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है एंड यंगर है और ये चाइना की पॉपुलेशन के कंपैरिजन में यंगर है जो लेबर मार्केट में कंट्रीब्यूट करती है। इसके अलावा इंडिया का हेल्थ सेक्टर्स में एक्सपेंडिचर एंड पेंशन में बहुत कम है और इसका सीधा सा मतलब है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ आगे आने वाले सालों में बहुत तेजी से ग्रो करेगी ऐसा यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट के थिंक टैंक ने बोला है। तो फ्रेंड्स आपकी क्या राय है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ पर, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।